आपका स्वागत है मेरे चैनल सोना के फूड में। और आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी टेस्टी ब्रेड रिंग सैंडविच। ये आपको पिज़्ज़ा का भी टेस्ट देगा और सैंडविच का भी टेस्ट देगा। सैंडविच की सीरीज़ में ये हमारा पहला वीडियो है। मैं आगे भी आपको सैंडविच के ऐसे ही अच्छे अच्छे सैंडविच रेसिपी देने वाली हूँ। अगर आपको सारे सैंडविच की रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ जिससे ये और भी टेस्टी और आपके लिए इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रिंग सैंडविच बनाने के लिए मैंने एक बोल लिया है और बोल में अब हमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करनी है। मैंने सबसे पहले इसमें 2 चम्मच शिमला मिर्च ऐड की है। 2 चम्मच मैंने रेड शिमला मिर्च ऐड की है और 1 चम्मच मैंने इसमें येलो शिमला मिर्च ऐड की है। हमें इसमें 1 चम्मच टमाटर ऐड करने हैं और इसमें अब हमें कुछ, मैंने इसमें 1 चम्मच गाजर ली है। गाजर अगर आपको खाना पसंद हो तो ही आप ऐड करें, वरना गाजर आप ऐड ना करें। आप गाजर की जगह आप इसमें जो भी वेजीज है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अगर काली मिर्च साबुत हो तो आप उसे कूट कर ले सकते हैं। स्वाद के अनुसार मैंने नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप इसे कम ऐड कीजिए और ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑरिगेनो लिया है, हमें इसमें ऑरिगेनो ऐड कर देना है। अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ हमें भर भर कर ऐड करनी है जिस तरह से मैंने ऐड की है। मैंने चीज़ को पहले से ही क्रश कर कर रखा हुआ था इसीलिए मैंने इसे जल्दी इसमें ऐड कर दिया। आपको भी अगर मोज़रेला चीज़ यूज़ करनी है तो आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप वेजिटेबल्स के ऑप्शन में पनीर या फिर मशरूम भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको मशरूम थोड़े पकाकर ऐड करने हैं। मैंने सारे वेजीज में इन्हें अच्छी चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे थोड़ी देर साइड में रख देना है। एक प्लेट ले लेनी है और उसमें एक ब्रेड की स्लाइस ले लेनी है। ब्रेड की स्लाइस के हमें किनोर कट नहीं करने हैं क्योंकि हमें इसे गोल आकार में कट करना है। मैंने इसे कटोरी से कट कर लिया है। आप किसी कटर की सहायता से भी इसे कट कर सकते हैं, पर सबसे ईजी ऑप्शन कटोरी ही होता है। मैंने इसे गोल कट कर लिया है। मैंने ब्रेड की एक और स्लाइस को पहले से ही कट कर कर रख लिया था। अब मुझे ये जो दोनों स्लाइस को लेने के बाद एक स्लाइस में और एक कट करना है गोल। मैंने इसे मग से कर लिया है। आप मग से, कटर से या कटोरी की सहायता, मैंने इसे अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब हमें दूसरी स्लाइस पर ये टोमेटो सॉस लगा लेना है। मैंने सॉस कम यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो आप सॉस ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो मिक्सचर रेडी किया था वो हमें इस पर लगा देना है। ये मिक्सचर हमें इस पर लगा लेना है। एक ब्रेड की स्लाइस पर लगभग 3 से 3.5 चम्मच मिक्सचर आराम से आ जाता है। मैंने इसमें 3 चम्मच मिक्सचर अच्छी तरह से लगा लिया है और इसे चम्मच से धीरे धीरे प्रेस कर कर लगाया है ताकि इसमें फीलिंग अच्छे से लगे। मैंने इसे चम्मच से थोड़ा सा प्रेस कर दिया है। बस अब ये रेडी है। अब हमें इस पर दूसरे ब्रेड की स्लाइस को रख देना है। मैंने इस तरह से रख दिया है। अब हमें इस पर थोड़ी कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। मैंने इसमें थोड़ा सा चीज़ और ऐड किया है ताकि ये और अच्छा इसका टेक्सचर भी हो और चीज़ से तो टेस्टी हो ही जाता है। बस अब मैंने इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड किया है और चिली फ्लेक्स के साथ ऑरिगेनो तो फ्री में आता ही है। बस ऑरिगेनो भी मैंने इसके में थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। ऑरिगेनो भी आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे एक सैंडविच मेकर में बनाऊँगी। सैंडविच मेकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया। सैंडविच मेकर में मैंने दोनों तरफ ऑयल ग्रीस कर लिया है और अब हमें इसे इसमें रख कर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है। इसे सिकने में लगभग 1 से 1.5 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। और अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप
आपको मैं इसे दूसरी तरह से बनाने का भी लास्ट में ऑप्शन बताऊंगी, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक मैं दूसरा बनाकर रेडी कर लेती हूँ। मैंने इसे रेडी कर लिया है और ये सिककर तैयार हो गया है। अब देखिए इन दोनों का टेक्सचर कितना अच्छा और आया है, और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। सैंडविच के जो सीरीज़ है उसमें ये हमारा पहला वीडियो है। हमें और भी रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये चैनल देखना है और आपको और भी सैंडविच की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अब बारी आती है उन टिप्स की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्प होगी। अगर आपको वेजिटेबल्स कच्ची लगती है तो आप इन्हें थोड़ी देर कढ़ाई में चला लीजिए, इससे उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। और अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप इस तरह से कटी हुई स्लाइस इस पर रख कर इसे तवे पर दोनों तरफ से सेक लीजिए नॉनस्टिक तवे पर, और फिर इसे हटा दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।